सब कैसे हैं। आइडियल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज आईएससी के केमिस्ट्री का वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का वीडियो बनाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज है, तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिला बना हुआ है। इलेक्ट्रो के मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिस्ट्री केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी और उनके बीच परस्पर रिलेशन का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो इसको केमिस्ट्री यानी फिजिकल केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जिस शाखा के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और उनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। यानी फिजिकल केमिस्ट्री के जिस चैप्टर में, जिस शाखा में हम लोग विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी और इनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। जैसे हम लोग सूखा सेल का उदाहरण लेते हैं, सूखा सेल जो टॉर्च में भराता है उसमें केमिकल एनर्जी रहता है, उस केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और यह जो है प्रकाश ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है। तो ये सब जो सेल है, इस सेल को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे। जैसा भी डेनियल सेल है, बहुत से सेल हैं, उस सब का हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अध्ययन ही अध्ययन करेंगे। तो परिभाषा देखें, डिफिनेशन देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री के जिस शाखा के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या उनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम सबसे पहले कंपाउंड के बारे में चर्चा करते हैं कि कंपाउंड जो है दो तरह के होते हैं। कंपाउंड यानी यौगिक जो है दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अनपघट्य, वैसे कंपाउंड जो द्रवित या जलीय, वैसे कंपाउंड जो द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। जैसे चीनी, यूरिया, ये सब जो है द्रवित अवस्था में यानी जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं, यानी चालक नहीं होते हैं। फिर दूसरा कंपाउंड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। वैसे कंपाउंड जो द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब जो है विद्युत के सुचालक होते हैं, जलीय होता है। यह जो है जो भी विलयन की अवस्था में, जलीय विलयन की अवस्था में आते हैं, वे आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में विघटित हो जाते हैं और विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। देखें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अनपघट्य, वैसे कंपाउंड जो द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के अचालक, नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जैसे चीनी, यूरिया, क्लोरोफॉर्म आदि। इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्य, वैसे कंपाउंड जो द्रवित या जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक यानी कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि, ये सब जो है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जब ही ये जलीय अवस्था में आते हैं ये आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यह हो गया, इसको क्या कहेंगे, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ये दोनों एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं। दोनों जो है सेल जो बनाएंगे इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे, ठीक है। अब है यह जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा, दोनों ऊर्जा मिलकर के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, विद्युत रासायनिक सेल बनाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं। अब जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं गैल्वेनिक सेल और दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल को दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं, यानी विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर करके विद्युत रासायनिक सेल बनाते हैं, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत रासायनिक सेल बनाते हैं, है ना। और जब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जो सेल बनाता है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलाइट सेल। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, यानी ई कन्वर्ट करता है सी में, समझ गए। अब बारी बारी से दोनों का डिफिनेशन देखते हैं। अब देखना है विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको गैल्वेनी सेल भी कहा जाता है या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है, तीन नाम से जाने जाते हैं। विद्युत रासायनिक सेल कहिए या गैल्वेनी सेल कहिए या वोल्टीय सेल कहिए, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है, जैसे डेनियल सेल। डेनियल सेल का है एक तरह के विद्युत रासायनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइट सेल, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है उसको विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए विद्युत अपघटन, इसको इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन क्या होता है, किसी यौगिक की द्रवित या विलयन की अवस्था में, किसी यौगिक के द्रवित या विलयन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर यौगिक को अपघटित करने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। कोई यौगिक लेते हैं जलीय विलयन की अवस्था में, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह यौगिक जो है विघटित हो जाता है, इस विघटित करने की क्रिया को विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, है ना। और विद्युत अपघटन की क्रिया जिस बर्तन में कराई जाती है उस बर्तन का नाम है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटन की क्रिया जिस बर्तन में कराई जाती है उस बर्तन को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या करते हैं, दो प्लेट लेते हैं, दो प्लेट, एक प्लेट को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं, दूसरे प्लेट को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। जिस प्लेट को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है उसको हम लोग धनोद कहते हैं या एनोड कहा जाता है, और जिस प्लेट को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं उसको रिनोद कहते हैं या कैथोड कहते हैं। और विलयन विद्युत, ये जो बर्तन है वह विद्युत अपघटनी सेल है। इस सेल में हम लोग द्रवित अवस्था में जो पदार्थ लेते हैं उसको विद्युत अपघट्य कहा जाता है। परिभाषा पुनः देखें, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस, किसी यौगिक की द्रवित या विलयन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर
यौगिक को अपघटित करने की क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। वैद्युत अपघटन इसे क्या कहता है, जिस बर्तन में वैद्युत अपघटन की क्रिया कराया जाता है उस बर्तन को वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यहाँ पर वैद्युत अपघटनी सेल ले लिए, इसमें द्रवित अवस्था में यौगिक लेते हैं वो सोडियम क्लोराइड लेते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड क्या होगा, वैद्युत अपघट्य होगा। दो प्लेट लेते हैं धातु की, जो मेटल का दो प्लेट लेते हैं, एक प्लेट को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं जिसको धनोद कहें यानी एनोड कहें, दूसरे प्लेट को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं यानी कैथोड हो गया। विद्युत धारा जो ही प्रवाहित किया जाता है, यह जो इसमें सोडियम क्लोराइड लिए थे वो सोडियम क्लोराइड जो है अपघटित हो जाता है सोडियम और क्लोरीन में, विघटित हो जाता है सोडियम और क्लोरीन में। तो सोडियम जो है दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके के सोडियम बना लेता है, सोडियम आयन जो है या सोडियम क्लोराइड जो है दो आयनों में विघटित होता है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में। सोडियम आयन दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम बदल जाता है, क्लोरीन आयन जो है दो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है और क्लोरीन बदल जाता है। यह चूंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यह क्रिया हो रहा है कैथोड पर, यानी कि कैथोड यह है जो कैथोड पर क्रिया हो रही है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन क्रिया हो रहा है, अवकरण क्रिया हो रहा है। एनोड पर जो है ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है, अवकरण होता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो सोडियम का क्या है, अवकरण हो रहा है कैथोड पर। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है एनोड पर। तो हमेशा एनोड पर जो है हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, ये मैं याद रखिएगा ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। ये आ रहा है ऑक्सीडेशन आ रहा है, फिर है कैथोड, कैथोड यानी कि कैथोड पर हमेशा होता है रिडक्शन, रिडक्शन हम हमेशा याद रखेंगे कि कैथोड पर जो क्रिया होती है रिडक्शन यानी अवकरण की क्रिया होती है। ए के बाद सी आता है, यहां भी देख रहे हैं ओ के बाद आ रहा है, अल्फाबेट जो सबसे जाते हैं तो ओ के बाद आ रहा है, ए के बाद सी आ रहा है, तो कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन होता है, हमेशा याद रखेंगे। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण क्रिया यानी ऑक्सीडेशन क्रिया कहां पर होता है, तो एनोड पर होता है। रिडक्शन क्रिया यानी अवकरण क्रिया कहां पर होता है, कैथोड पर होता है। ठीक है, इतना समझ लें, उसके अगले वीडियो में आगे समझेंगे। थैंक यू।